इतनी शक्ति हमें दे ओ दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे ओ साई, मन का विश्वास कमजोर होना। ओम साई राम। नमस्कार, साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और बाबा का ढेर सारा प्यार। साई राम, मैं साई पूजा, साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। और बाबा के अनुभव जैसे जैसे आप सुनते हो, बाबा के लिए भक्ति जागृत होती जाती है, प्रेम बढ़ जाता है। बाबा ऐसा भी करते हैं, जी हाँ ऐसा भी करते हैं। तो मैं आज एक भैया के साथ हूँ और भैया ही बताएंगे सारा कुछ। 40 साल का अनुभव, 40 इयर्स, शिरडी में पहले क्या क्या होता था, क्या क्या, कितनी कितनी की चीज़ें मिलती थी, कैसा था इनका जीवन। तो चलते हैं भैया, सबसे पहले ओम साई राम। ओम श्री साई नाथाय नमः। मैं आपका नाम बताएं? सुरेश खंडेलवाल, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से हैं तो हाँ। बाबा से 40 साल हो गए आप, अभी आपने मुझे बताया। ये कैसे बाबा आपके जीवन में आए और कैसे आप शिरडी आए, बाबा को कैसे मानना शुरू किया, मैं जानना चाहूँगी। अब मानने वाला तो यही कह सकते हैं कि जो पिछले जन्म का संबंध था, जब मैं क्लास 6वीं 7वीं पढ़ता था तब स्कूल से घर आता जाता था तो रास्ते में 4-6 बाबा की फ़ोटोएँ दुकान में टंगी दिखती थी। उस समय मेरे को दिखती थी, मैं देखता था, चले जाता था, आगे बढ़ जाता था, कुछ विचार मन में नहीं आता था। फिर बिलासपुर में ही हमारे एक सज्जन मित्र रहते थे, वो एक बार शिरडी आ रहे थे तो मेरे को बोले चलो चलें। तो मेरे को बाबा के विषय में तो अब जानकारी कहा जाए तो इस जन्म में कब से नहीं कह सकते, इसीलिए कह सकता हूँ पिछले जन्म से रही होगी। उनके साथ मैं शिरडी आया तो उस समय तो अभिषेक की टिकट 8 आना होती थी और गुरु स्थान के पास ही साठेवाड़ा बने रहता था, वहाँ पर हम लोग रुकते थे और लाइन के नाम से मुश्किल से 200-300 आदमियों की सवेरे लाइन रहती थी उस टाइम। अच्छा, तो मुख्य द्वार ही बिल्कुल रहता था, वहीं से हम लोग सीधा आ जाते थे, वहीं से चले जाते थे। अब 200-300 आदमियों की लाइन, वो भी सवेरे कांकड़ आरती के समय रहती थी, या फिर कुछ नया वर्ष हो या विशेष त्यौहार हो तो भीड़ कुछ ज़्यादा देखने को मिलती थी। अच्छा, अब उस समय तो हाँ उस टाइम इसी प्रकार का था। अभी मेरा जो भी श्रद्धा कह लो कि जब भी मैं आता था तो हमेशा एक चमत्कार ही मेरे को मिलता था। तो कभी मैं घर से बिना बोले, कभी घर में बोलकर, कभी बिना कपड़ा लिए आ जाता था। आज भी जैसे मैं आया हूँ तो बिना कपड़ा लिए आया हूँ। जब ट्रेन में बैठ गया हूँ तब मैं अपने घर में फ़ोन करता हूँ कि मैं शिरडी के लिए रवाना हो गया हूँ। अब आजकल के समय में तो फ़ोन पे है तो पैसे की दिक्कत रहती नहीं है, मोबाइल हमेशा पास में रहता है तो कहीं से भी पैसे से अपना सामान ले लिए। उन दिनों तो पैसे की दिक्कत होती थी, फिर भी कोई चिंता नहीं रहती थी। जैसा मन होकर आ गया, 2-500 जेब में रहता था, सस्ते का समय था, 1.5-2 रुपये का प्रसादालय में खाना मिलता था वो खा लेते थे, 2 रुपये का हम लोगों को बिस्तर मिल जाता था बाहर सोने के लिए, उन दिनों उसमें हम लोग सो जाते थे। अब आजकल समय थोड़ा महंगा हो गया पर अब पैसा भी वैसे ही आता है तो अब दोनों हिसाब से काम चले जा रहा है। अभी फिर भी एक छोटी सी निगेटिविटी की एक बात बता रहा हूँ, कुछ ऐसी मेरी परिस्थिति आई कुछ समय पहले कि मेरे को लगा कि अब मैं शिरडी नहीं जाऊँगा, दर्शन नहीं करने जाऊँगा, मतलब शिरडी जाऊँगा भी तो अब मैं बाबा के दर्शन नहीं करूँगा। हाँ, कुछ ऐसा था से झगड़ा। तो शिरडी तो मैं आया लेकिन मैं बोला मैं बाबा के दर्शन करने नहीं जाऊँगा। तो मुख दर्शन करके मैं बस बाहर निकला तो यहाँ के एक सावकारे भैया हैं, उनसे मैं, हमारा परिचय तो था ही था। मैं जैसे ही बाहर निकला तुरंत मेरे को ऐसा कंधा पकड़कर गुरु पूर्णिमा के दिन सीधा अंदर ही समाधि मंदिर में ले गए। मेरे को लगा, मैं बोला था बाबा मैं तो नहीं आऊँगा पर अब आप ले आए हो, ये आपका ही चमत्कार है। और वैसे तो और भी बहुत सारे चमत्कार हैं, अब यहाँ पर बोलना कितना सही है कितना सही नहीं है कि हम लोग करीब 12-14 साल पहले एक ज़मीन देखे थे। एक मित्र को मैं बोला था ठीक है यार इधर एक ज़मीन मिले तो मैं खरीद लूँगा। मैं उस समय यहाँ 10 दिन रहा था शिरडी में, तो जब हम लोग का जाने का समय था, ट्रेन का टाइम 2 बजे का था, 11-12 बजे खाना खा कर आए हम। और यहाँ पर एक गंगवाल भैया हैं, किशोर गंगवाल भैया, उनकी दुकान है,
वहीं बैठे हुए थे, तो बोले चल यार ज़मीन देख कर आते हैं। मेरे को ज़मीन दिखलाया, बोले देख ले भाई तेरे को लेना हो तो तू ले ले, मैं बोला कितने में देगा। तो जो ज़मीन का मालिक था वो बोला भैया मैं इसको 51,000 रुपये में ख़रीदा हूँ, 10,000 रुपये आपसे और कमाऊँगा, 61,000 रुपये मैं बेच दूँगा। ये आज से करीब 14-15 साल पुरानी बात है। मैं बोला चल डन, तुरंत एक मिनट में डन कर दिया उसको। उसके बाद जब हम लोग ट्रेन में बैठे तो मैं देख रहा हूँ मेरे जेब में 1 रुपये नहीं है। मेरे को उस टाइम झेलम एक्सप्रेस में बैठा था और मेरे को जाना था, यानी कोपर गांव से मथुरा जाना था, मथुरा से गोवर्धन परिक्रमा करना था और फैमिली से भी मिलना था, और मेरे जेब में 1 रुपये नहीं था। तो जो मेरे मित्र थे साथ में वो भी पूछे, बोले यार तेरे पास कुछ पैसा इस टाइम बचा है कि नहीं बचा है? और ट्रेन में हम लोग बैठे हुए, मौला नहीं मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। पता नहीं उनके मन में क्या आया, क्यों मेरे से पूछे। तुरंत फिर अपना भी वो टटोले वॉच पॉकेट में से, उनके पास उस समय 500 रुपये रखा था, तुरंत तो मेरे को 500 रुपये दिए। मौला बाबा ये आपका ही चमत्कार है, वरना और मेरे पास क्या है। और उसी टाइम हम लोग ट्रेन में जब चल रहे थे, तो जैसे ही ट्रेन मतलब समझिए व्हील दिए चलने के लिए, तो झक सफ़ेद कपड़े में सफ़ेद दाढ़ी में पूरा बाबा का स्वरूप एक सज्जन ऐसा दिखे मेरे को। अब उस एक सेकंड में मेरे को ऐसा लगा कि यार ये लोग तो इस समय बस साधु महात्मा ऐसे ही कपड़ा पहने ऐसे ही होंगे, देखे होंगे, मैं बस उनको देख ही रहा हूँ। हमारी ट्रेन चलकर निकल गई, आगे बढ़ गई। पर बाद में उन्होंने, क्योंकि मेरे को बाय बाय किया था, तो मेरे साथ और जो 2-3 लोग थे मैं उनसे पूछा, मैं बोला भैया वो जो एक सज्जन साधु आपको बाय बाय किया, आप लोग के साथ आए थे क्या? बोले नहीं हम लोग के साथ तो नहीं आए थे, हम लोग तो किसी को नहीं देखे हैं। तब मेरे तुरंत क्लिक आया मेरे दिमाग में कि बाबा आए थे, बाबा रोके हैं, बाबा ने ये सब दिलवाया है मेरे को, बाबा की ही लीला है, बाबा का ही आशीर्वाद है। तो ये चमत्कार चल रहे हैं, कहने के लिए तो और बहुत सारे चमत्कार हैं आते हैं, कई सारी घटनाएं घटती। जैसे कभी ट्रेन में हम लोग 10-12 लोग आए, अब हम लोग यहाँ से चले गए नासिक, हम लोगों को ऐसा ध्यान था कि नासिक से वापसी की ट्रेन हम लोग की 11 बजे की है, तो हम लोग उस हिसाब से नासिक में घूम रहे थे। लेकिन बाद में हमको एक सज्जन बतलाया, बोले भैया ये वाली ट्रेन तुमको नासिक में 7 बजे मिलेगी, 11 बजे के धोखे में मत रहना। नहीं तो हम लोग तो अपने हिसाब से 11 बजे के धोखे में थे, और पता चलता हम लोग पहुँचते उस टाइम 11 बजे के आसपास तो ट्रेन हमारी छूट जाती। इस प्रकार के तो छोटे छोटे चमत्कार तो लगभग घटते ही रहते हैं। अब कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि श्रद्धा और सबूरी के ही बाबा की तरफ ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। बाकी तो अब जीवन है, उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं। अब दुनिया है, बुराई करने वाले भी बहुत हैं, पर कहीं कहीं बाबा बोलते हैं मेरा मेरे साथ, उसका उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत लोग बुराई करते रहते, लेकिन मैं उसको नज़रअंदाज भी करते रहता हूँ कि ठीक है भाई, मेरा मेरे साथ है, तेरा तेरे साथ है। क्योंकि दुनिया आजकल किसी को थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखने में अंदर ही अंदर जलती है, निगेटिव फैलाती है। बिल्कुल। पर अब उसको भी नज़रअंदाज करना पड़ता है। फिर बाबा का ये भी कहना है कि कर्मयोग की भट्टी में सबको तपना है, अब चाहे बाबा हो, चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी हों, चाहे एक आम इंसान हो। बिल्कुल। सबको अपने कर्म करने के हिसाब से भुगतना पड़ता है। जो लक्षण होते हैं, जो कर्म होते हैं, लक्षण से ही लक्ष्मी आती है, रुकती है, कर्म से किस्मत बनती है, खुशी या दुख मिलता है। ये सब जीवन के थोड़े बहुत निचोड़ हैं, और यदि आप लोग बोलेंगे बोलने के लिए तो मैं कहता हूँ कि 40 साल का अनुभव है, तो हर महीने का एक अनुभव होगा, तो 40 साल का मेरे पास 500 अनुभव होंगे। क्या बात है। लोगों को संदेश देना चाहेंगे आप? लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो संदेश तो आपने दे ही दिया है, मगर 2 शब्दों में कुछ अच्छी बात आपने, बहुत अच्छी बातें बोली कि कर्मयोग की भट्टी में सबको जलना है, मगर कोई मानना नहीं चाहता। लोग कर्मों को नहीं बाबा को मानते, पर कर्म नहीं देखते कि हम कर्म क्या कर रहे हैं। चलनी में दूध दूते हैं और कर्मों को दोष देते हैं। तो कुछ 2 संदेश अभी अभी जो मेरे को नई जानकारी यही मिली, वैसे तो मैं बोल चुका हूँ, जैसे लक्षण होंगे वैसी लोगों के पास लक्ष्मी आएगी, जैसा कर्म करेंगे वैसी किस्मत बनेगी। तो और बाकी मेरा मेरे साथ, उसका उसके साथ, आप किसी का बुरा करोगे तो होगा ही होगा,
और नहीं तो कोई आपका बुरा कर रहा होगा तो आप उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाओ। बाबा है साथ, बाबा है। तो कैसा लगा हमें अनुभव, 40 साल जो है जो भक्ति का उन्होंने आपको शब्द सिखाए, ये शब्द आपके दिमाग और दिल को छूने चाहिए। और जैसे कि इन्होंने कहा कि बाबा से बोल रहे थे कि मैं मंदिर नहीं दर्शन करने जाऊंगा, पर ये शिरडी में बाबा का सिक्का चलता है, यहाँ साईं का सिक्का चलता है, यहाँ आपकी नहीं चलती, बाबा की चलती है। बाबा को इनको बुला लिया, आज ये आपके सामने बैठे हैं, तो हमें बताएं और इनके जीवन में जो भी आज अच्छा है, जो भी आज चल रहा है, आज शिरडी में बैठे हैं तो बाबा की मर्जी से बैठे, एक्सपीरियंस कैसा लगा? ओम साईं राम, जय साईं। ओम साईं।